नमस्कार, जनप्रभात सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साने बेंगलुरु में आईटीबीपी के आवासीय परिसर का क्या उद्घाटन का, हिमवीरों के रहते भारत चीन सीमा की कोई चिंता नहीं। साहब बोले आईटीबीपी दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाला सुरक्षा बल किसी की मजाल नहीं कि एक इंच जमीन पर कर पाए आक्रमण। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया को किया संबोधित, कहा बीजेपी संघ मेरे गुरु की तरह मुझे दी अच्छी ट्रेनिंग। पत्रकार ने राहुल से पूछा प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहा बच्चों को विजन बिना स्किल रोजगार नहीं भ्रमित नीति करेंगे खत्म। सीएम बघेल ने राहुल गांधी को बताया पीएम पद का योग्य उम्मीदवार, बोले राहुल के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी। पंत का हाल जानने अस्पताल पहुंचे अनिल कपूर और अनुपम खेर, का पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ, वे जल्द होंगे ठीक। डॉक्टरों का दावा पंत के ठीक होने में लगेगा 3 माह का समय, माथे पर टांके बड़ी समस्या नहीं, पैर का फ्रैक्चर बड़ी चिंता। ऋषभ पंत की कार के दुर्घटना स्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम, इस ब्लाइंड स्पॉट पर पहले भी हो चुकी है कई दुर्घटनाएं। नए साल के जश्न के लिए दिल्ली में भारी सुरक्षा के बंदोबस्त, जिला और यातायात पुलिस के 18,000 से अधिक जवान तैनात। दिल्ली NCR में शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल या 2,000 का देना होगा जुर्माना। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया सीजान खान, अभिनेत्री तुनिसा शर्मा मामले में अदालत ने दिया आदेश। साल के अंतिम दिन महाकाल धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, नए साल पर करीब 6 लाख भक्तों के दर्शन करने का अनुमान। भीड़ को देखते हुए गर्भगृह और नंदी हाल में प्रवेश किया गया बंद, महाकाल नगरी उज्जैन में होटलों का किराया 3 गुना तक बढ़ा। बिहार के छपरा में हुए जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी रामबाबू को दबोचा। उड़ीसा में रहस्यमयी मौतें, पुलिस प्रशासन के लिए बनी सिरदर्द, एक और रूसी नागरिक के लापता होने से मचा हड़कंप। तमिलनाडु के नमक्कल में घर में रखे पटाखों में हुआ विस्फोट, आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त, 4 लोगों की गई जान। पूर्व विधायक कांता ताई, नलवाड़े के बंद बंगले पर मिला महिला का शव, सतारा पुलिस मौके पर पहुंची, शव के शिनाख्त का प्रयास जारी। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में प्राइवेट पार्ट पर बांध दिया धागा, सीनियरों ने 8 साल के छात्र को किया घायल, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.5 से अमेरिका में बिगड़े हालात, भारत में भी इस वायरस की हुई पुष्टि, बढ़ाएगी सतर्कता। हरियाणा के यमुनानगर जिले में ट्रक से टकराए स्कूल बस, हादसे में महिला केयर टेकर समेत कई बच्चे घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर आमिर खान के घर चला बुलडोजर। कश्मीर जोन में साल 2022 के दौरान हुए 93 सफल एनकाउंटर, अलग अलग मुठभेड़ों में 172 आतंकियों को किया गया ढेर। पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी ने आप सरकार पर बोला हमला, पूछा भगवंत मान पंजाब को पाकिस्तान बना रहे क्या। संकट के दौर में कई देशों को रोटी खिला रहा है भारत, अप्रैल नवंबर में $1.5 अरब पहुंचा गेहूं का निर्यात। सभी क्षेत्रों में विशेष उत्कृष्टता स्कूल खोलना चाहती है दिल्ली सरकार, सिसोदिया बोले जगह की कमी के कारण आ रही है अड़चन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बड़ा बयान, कहा मैं PM पद का उम्मीदवार नहीं, सभी मिलकर करें चुनाव। मुंबई में महिला और 4 बच्चों का हत्यारा 28 साल बाद गिरफ्तार, संबंध बनाने से इनकार करने पर दिया था घटना को अंजाम। मुंबई के अध्यक्ष सैयद नूरी ने वीडियो संदेश जारी कर सुनाया फरमान, का 31 जनवरी पर खुरापात से बचे मुसलमान, न्यू ईयर का जश्न हराम। राजस्थान में पारे के गिरने से नए साल पर बढ़ेगी सर्दी, न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। घरेलू हवाई यातायात में तेजी से बढ़ोतरी के लिए सरकार का खास प्लान, साल एयर इंडिया समेत अन्य एयरलाइंसों के विस्तार की योजना। मनाली और कुल्लू में बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा, लोगों में देखी गई अटल सुरंग देखने के प्रति दीवानगी। बुलंदशहर पुलिस ने व्यापारी अपहरण कांड का किया खुलासा, मुख्य आरोपी सोहिल सिसोदिया के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी उमा आजाद समेत 8 की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। साइप्रस पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने शांति रक्षकों को दी श्रद्धांजलि, बोले इतिहास में हमेशा भारतीय सैनिकों की भूमिका रखी जाएगी याद। जनरल KS थिमैया सड़क की तस्वीरों को विदेश मंत्री ने किया साझा, राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं भारत साइप्रस। EPFO ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किया निर्देश, का अंशधारकों को अधिक पेंशन का उपलब्ध कराएं विकल्प। 2 जनवरी तक बंद रहेंगे मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए उठाया कदम। माकपा ने साजी चेरियन को कैबिनेट में वापस लाने का किया फैसला, जुलाई में भाषण के दौरान संविधान के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कांग्रेस ने पिनराई विजयन सरकार के फैसले पर उठाया सवाल, का साजी के खिलाफ गंभीर आरोप, फैसला आने का इंतजार करे सरकार। भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, SSB जवानों के
सात पूछताछ में जुटी महाराजगंज पुलिस। सेवानिवृत्त एयर मार्शल पीवी अय्यर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 90 साल की उम्र में लिखी गई पुस्तक फिट एंड एनी एज की भेंट। G20 के लिए MCD ने राजधानी दिल्ली को सजाने का काम किया शुरू। दीवारों पर उकेरी जा रही हुमायूं का मकबरा और एफिल टावर की तस्वीरें। नए साल को लेकर यूपी सरकार ने जिला प्रशासन को जारी किया निर्देश। शांतिपूर्ण तरीके से नववर्ष मनाने के हर उपाय करें अधिकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर तलाशी अभियान। संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद सैनिकों ने की थी गोलीबारी। बुलंदशहर के अनूपशहर PHC में डॉक्टरों की घोर लापरवाही। अस्पताल में खुले में फेंका जा रहा है बायोमेडिकल कचरा। बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। 8 बने और अधबने तमंचे के साथ हथियारों का सौदागर शाहिद गिरफ्तार। बुलंदशहर में झूठे साबित हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सभी दावे। डॉक्टरों के अभाव में मरीज को गोद में उठाकर भागते दिखे परिजन। मार्च 2024 तक 10,000 होगी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या। लोगों को उपलब्ध होगी सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं। फुटबॉलर रोनाल्डो ने फुटबॉल क्लब अल नस्र के साथ किया करार। 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी सालाना सैलरी। यूनाइटेड कप में ब्रिटेन के कैमरून नॉरी से हारे राफेल नडाल। 3-6, 6-3, 6-4 से हार का करना पड़ा सामना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।